Hello everyone, CA inter examination for May 22 term starting from 15th May. और पहला पेपर आपका फेवरेट और मेरा फेवरेट अकाउंटिंग ग्रुप वन. किस तरीके से अब आप लास्ट 3 डेज अपने अकाउंट्स के पेपर को रिवाइज करेंगे, किस तरीके से आपको सिक्वेंशियली टॉपिक्स में मूव करना है इन दी लास्ट 3 डेज एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा. कुछ छोटी छोटी बातें, वीडियो पूरा देखना है. हो सकता है आपने अपनी कोई स्ट्रैटेजी पहले से बना रखी हो, वो स्ट्रैटेजी भी आप फॉलो कर सकते हो. मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूं एज अ स्टूडेंट हु हैज पास द एग्जाम मच बिफोर यू आर गिविंग द एग्जाम. मैं आपका टीचर होके नहीं, एक स्टूडेंट होके आपको गाइड कर रहा हूं कि अकाउंटिंग के पेपर में किस तरीके से लास्ट 3 दिन यानी हमारा जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाला दिन है हम लोग यूटिलाइज करेंगे टू कंप्लीट द रिवीजन एंड प्रिपरेशन फॉर द अकाउंटिंग सब्जेक्ट. एक एक करके बात चालू करता हूं. बिफोर आई मूव ऑन टू द टॉपिक्स, कुछ छोटी छोटी बातें जो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रहता है आई वॉन्ट टू सॉल्व. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सर अगर कोई चैप्टर कोई टॉपिक हमको हमने पहले नहीं किया था तो क्या सर हम लोगों को अभी करना चाहिए कंसीडरिंग कि उस टॉपिक का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वो टॉपिक इस टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात मैं बता दूं, लास्ट 3 दिन में हम लोग रिवीजन की बात करेंगे. जो टॉपिक आपने पहले से पढ़ रखा है उनको गो थ्रू करेंगे, रिवाइज करेंगे. कोई भी नया टॉपिक जो अभी तक आपने नहीं किया या जो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है वो लास्ट 3 दिन में आपको टच नहीं करना है. बिकॉज द टाइम यू वेस्ट इन डूइंग दैट टॉपिक कैन बी यूटिलाइज टू कंप्लीट 2 to 3 अदर टॉपिक्स जहां पे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो एज कंपेयर टू 1 or 2 टॉपिक्स विच यू हैव नॉट डन टिल येट. तो सबसे पहला गाइडलाइन, प्लीज 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 कोई भी नया टॉपिक या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपने पहले से नहीं कर रखा है अब आपको नहीं करना है. चाहे वो टॉपिक कितना भी इंपॉर्टेंट हो, किसी ने भी आपको बोल दिया कि भाई ये आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. मेरे पास पेपर में एक चॉइस है, मैं वो एक चॉइस यूज करके उस टॉपिक को साइड कर सकता हूं. मेरे को दूसरे टॉपिक्स में ध्यान देना चाहिए जो मैंने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ रखा है. दूसरा, अकाउंट्स के पेपर के लिए थ्योरी इज नॉट इंपॉर्टेंट. थ्योरी क्वेश्चन अगर अकाउंट्स के पेपर में आया भी तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 5 में से आपको 4 करना पड़ता है. सो आप वहां पे ऑलरेडी एक चॉइस आपके पास है जो आप छोड़ सकते हो. तो थ्योरी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंट्स. आपको लास्ट 3 दिन में अलग से थ्योरी के ऊपर स्ट्रेस या टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है. इन दी पेपर ऑफ अकाउंट्स अलग से कोई भी थ्योरी मत देखिएगा. ऐसे भी अकाउंट्स का थ्योरी क्लास में डिस्कस्ड है, नॉलेज कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी है, आएगा भी तो आप लिख पाएंगे, बट अलग से कोई टाइम डिवोट करने की अकाउंट्स के पेपर में जरूरत नहीं है. नंबर 3, सर रिवीजन 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 क्या फटाफट कॉपी बुक देख के कर ले या क्वेश्चन हाथ से बनाना पड़ेगा? आंसर इज आपको हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन अपने हाथों से बनाने हैं क्योंकि हमारा एग्जाम रिटन है, ओरल नहीं है. एग्जाम पेपर में अगर आप चाहते हो आपके क्वेश्चंस एक बार में सॉल्व हो जाए तो यू नीड टू इंश्योर कि हर टॉपिक ऑफ द चैप्टर का आप एक क्वेश्चन इन दीज 3 डेज हाथ से बनाओ सो दैट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली बना सको, कंप्लीट कर सको, आप आधे अधूरे में ना रुक जाओ. लास्ट 3 दिन में आपको क्वेश्चंस रिटन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्योंकि ये लास्ट प्रैक्टिस है हमारा. प्रैक्टिस करते समय थोड़ा सा कंसंट्रेशन ऑन फॉर्मेट, कंसंट्रेशन ऑन वर्किंग जरूर कीजिएगा. ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाने, सारे क्वेश्चन नहीं बनाने. अगर एक चैप्टर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूं, मान लो इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर है. अब इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का एक क्वेश्चन, थोड़ा मास्टर टाइप का क्वेश्चन ले लो जिसमें नॉर्मल गुड्स अब नॉर्मल गुड्स है, जिसमें थोड़े से गुड्स के मूवमेंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है, वो एक क्वेश्चन ले लो, कर लो, काम खत्म हो जाएगा. 2, 3, 4 क्वेश्चन नहीं करना. लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का एक क्वेश्चन ले लो जहां पे स्टैंडर्ड टर्नओवर, आटो, एवरेज क्लॉज, ये सारी चीजों का काम है, वो एक क्वेश्चन ले लो, उसको कर लो, काम खत्म. पॉलिसी अमाउंट कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन कर लो अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. 3 क्वेश्चन करेंगे आपका इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर खत्म.
रिवीजन करने का मेथोडोलॉजी क्या रहेगा? सबसे पहला, आप समरी यूज करके रिवीजन करोगे, चैप्टर का चैप्टर को गो थ्रू करोगे, सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर के वन बाय वन गो थ्रू करोगे। स्टेप टू रहेगा, आपने एक बार रिवाइज कर लिया, अब उस चैप्टर में जितने टॉपिक्स है उनका एक एक क्वेश्चन आपको उठाना है, हाथ से बनाना है, फॉर्मेट पे ध्यान देना है, मतलब आपको स्केल पेंसिल यूज करके पूरा पूरा फॉर्मेट नहीं टानना, आप अपना रफ फॉर्मेट ही टानो, बट जो फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट वगैरह आए वो एक बार देख के ध्यान से रखो, सो दैट आपको एग्जाम में उन सब चीजों में टाइम वेस्ट ना हो या उन सब चीजों को याद करना ना पड़े, आपको पहले से ही स्मूथ रहे कि ये क्वेश्चन में ये करना है, बात खत्म। वर्किंग नोट्स थोड़े से बनाए ताकि आपको पता चले कि किस क्वेश्चन में कितना एक्सटेंट तक हमको नोट देना है, वो थोड़ा वर्किंग नोट बनाए। सर ये क्वेश्चन हम लोगों को कहां से करने चाहिए? ये क्वेश्चन आपको आपके टीचर की मैट से करने चाहिए, जिसने जिससे भी आपने पढ़ा। अगर आपने मेरे से ट्यूशन लिया है, मेरी मैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं, वो क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन पिक करके आप लास्ट 3 दिन में रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। सर क्या रिटर्न प्रैक्टिस करने से हम रिविजन कंप्लीट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, चिंता की बात नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं एज अ स्टूडेंट तो मैं पक्का मैं उसी तरीके से बोल रहा हूं जो बच्चा कर सके, जो नहीं कर सके वो लास्ट 3 दिन में मैं आपको गाइडेंस नहीं दूंगा। रिटन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, रिविजन करना है थ्रू समरी, कोई भी नया टॉपिक नहीं देखना है, और आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी रिविजन करें वो प्रॉपर सीक्वेंस में रिवाइज करें। सीक्वेंस क्या होना चाहिए रिविजन का? पहला Day 1 यानी कल थर्सडे को आप सबसे पहले अकाउंट्स में स्टार्ट करोगे कंपनी अकाउंट्स वाला पोर्शन, जहां पे आपके पास बोनस, प्रेफरेंस शेयर्स, प्री पोस्ट, मैनेजरियल रेमुनरेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वाले जो चैप्टर्स है इनको आपको स्टार्ट करना है। आपको मेरा एक वीडियो देखना है, आज ही देखना है, आज रात को ही देखना है, कल सुबह ही देखना है। सबसे पहले आपके अकाउंट्स का पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है? सर हमको पता है। नहीं पता है आपको, आप मेरा वीडियो देखोगे ऑन दी डीकोडिंग ऑफ अकाउंट्स पेपर, जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आपको ऊपर भी सजेशंस में वो वीडियो दिखेगा। छोटा सा वीडियो है, बट अगर वो वीडियो आप देख लिए ना, आपको समझ में आ जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट अपनी रणनीति कैसे बनाता है, और वो क्वेश्चन पेपर समझ जाओगे तो आपको इजी रहेगा ये समझना कि मैं जैसे जैसे कवरेज कर रहा हूं मेरा कितना कितना मार्क्स कवर होते जा रहा है। फर्स्ट डे में आपको कंपनी अकाउंट्स वाला पोर्शन सल्टाना है। सारे चैप्टर्स नहीं भी हो पाए तो आपको ट्राई करना है डिबेंचर या फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये Day 2 में आप कर सकते हो, दोनों में कोई एक, बाद बाकी चैप्टर सल्टाने हैं। बोनस, प्रेफरेंस शेयर, प्री पोस्ट, मैनेजरियल रेमुनरेशन, ये सब तो छोटे छोटे चैप्टर्स है, एक बार रिवाइज किया, 2 सम किया, काम कंप्लीट, फिर रिवाइज किया, 2 सम किया, काम कंप्लीट, तो इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब तो अकाउंट्स ही पढ़ना है और कुछ पढ़ना नहीं है, तो इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बड़े चैप्टर्स में क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फिनेंशियल स्टेटमेंट है, डिबेंचर्स है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट डे कर लेना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिबेंचर्स में कोई एक कर लेना, और दूसरा वाला सेकंड डे पर छोड़ देना। अगर कर पाओ, टाइम रहे तो करके नक्की कर देना, सबसे बेस्ट होगा। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएल बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ सकता है क्या? एक क्वेश्चन हाथ से बना के जाए, ऐसा क्वेश्चन जहां पे पीएल बैलेंस शीट दोनों बनाना हो, सो दैट अगर आ भी जाए तो आपको हिचकिचाहट ना हो। अगर आएगा तो वो बुक के क्वेश्चन में से ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। तो प्लीज 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 एक क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जरूर बना के जाए, ये आपको दूसरे चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा जहां कंपनी का पीएल बैलेंस शीट बनाने का बात आएगा। इसके साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आप AS का बेसिक्स, AS1 एंड AS2 कंप्लीट करोगे Day 1। AS का बेसिक्स, AS1 एंड AS2 कंप्लीट करोगे। AS के समरी नोट्स आपको दिए हुए हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो तो मैंने मैराथन रिवीजन लिया है जिसमें समरी नोट्स आपको दिया गया है, वो समरी नोट्स के थ्रू फटाफट रिवाइज करोगे, और कुछ क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा हाथ से लिख के ट्राई करोगे। मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे को लगता है May 22 एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो क्वेश्चन आपको देखकर जाने चाहिए, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये तो एक वीडियो है जो बोल रहा है रिवाइज कैसे करना है, उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करूंगा। तो आप बेसिक्स ऑफ AS, AS1, AS2, बेसिक्स ऑफ AS में जो Level 1, 2, 3, 4 नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का अमेंडमेंट है वो जरूर देख के जाइएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर Question 6 इन दिस टर्म, प्लीज देख के जाइएगा। ये हो गया Day 1 यानी थर्सडे। Day 2 फ्राइडे में आप क्या करेंगे, फ्राइडे वाले दिन आप डिबेंचर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एक चैप्टर आपने छोड़ा वो करोगे, इंश्योरेंस क्लेम,
इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट हायर परचेज और डिपार्टमेंट, ये चार चैप्टर आप डे टू में सल्टाओगे। इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट हायर परचेज डिपार्टमेंट, चारों इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छे से करना है, दो दो क्वेश्चन बनाते चलना है आपको। इसके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पार्ट में आप AS 12 एंड AS 16 करोगे। दो दो क्वेश्चन उनके भी लिख के प्रैक्टिस कर लेने हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप स्मूथली लिख सको। ये हो गया फ्राइडे। डे थ्री यानी सैटरडे, सैटरडे के दिन आपको जो बचे हुए चैप्टर्स है, जिसमें हमारा एक बड़ा चैप्टर ब्रांच और दूसरा चैप्टर सिंगल एंट्री, ब्रांच और सिंगल एंट्री वाला चैप्टर आपको डे थ्री में करना है। इसके साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, ये दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डे थ्री में सल्टाने हैं। इन्वेस्टमेंट्स के साथ AS 13 है, वो इन्वेस्टमेंट चैप्टर के साथ ही पढ़ लीजिएगा, अलग से मत पढ़िएगा। मेरे समरी नोट्स उसी तरीके से बने हुए हैं कि AS 13 और इन्वेस्टमेंट साथ में कंप्लीट होता है, तो वो आप उसके साथ ही देख लीजिएगा। ये आपका 3 दिन का सीक्वेंस होगा, आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ऑन द डे ऑफ एग्जाम सुबह सुबह का जो टाइम रहेगा बिफोर यू लीव योर होम फॉर एग्जाम हॉल, आपको सुबह सुबह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार वापस समरी घुमा के देखना है। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ समरी घुमा के देखना है, सो दैट एक बार सारे पॉइंट्स रिकैपिचुलेट हो जाए। इस तरीके से फॉर द नेक्स्ट 3 डेज एंड संडे आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, आपको पढ़ाई करना है, और इस तरीके से आपका अकाउंट्स का रिवीजन और प्रिपरेशन होगा। मैं जो बात बोल रहा हूं अगर आप मन से फॉलो करोगे, तरीके से फॉलो करोगे, जो वीडियो मैंने बोला आप अच्छे से देखोगे, तो आप देखोगे 5 to 10 marks आपके एग्जाम पेपर में ऐसे ही एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जितने लोगों के साथ शेयर करोगे, जितने लोगों का भला होगा, तुमको दुआ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। अभी एग्जाम के समय बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे सब्जेक्ट वाइज, सो दैट आप अपना स्मूथली एग्जाम दे सको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम से डर लगता है, आपको नहीं सारे बच्चों को लगता है, डरने से आप अपनी एफिशिएंसी खो देते हो, आपका पढ़ाई का लेवल खराब हो जाता है। तो बेकार का डरना इज नॉट करेक्ट। थोड़ा डर लगना चाहिए ताकि आप सीरियस हो सको, बट एक्स्ट्रा डर, बेकार का पैनिक मत कीजिएगा, तबीयत खराब मत कीजिएगा। 7 घंटे सोने का रूटीन बनाइएगा और आराम से रेगुलर बेसिस पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस बेसिस पे कीजिएगा। अब ट्राई करें अपने फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह जितना आप बंद या कम कर सको उतना कर दीजिए। फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, आज से लेकर टिल द एंड, जितना भी है आपको पढ़ाई करना है, आपको और दूसरा काम कुछ नहीं करना है। वंस एग्जाम्स आर ओवर पार्टी कीजिए, मजा कीजिए, जो करना है सो कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। डन है बात। कोई और चीज पर अगर कोई वीडियो बनाना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम लोग ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का। कुछ वीडियोस अकाउंट्स पेपर से पहले मैं आपको दूंगा, जैसे नंबर 1 हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आपको देख के जाने, मैं टॉपिक बताऊंगा, क्वेश्चन आप देख लेना अपने टीचर की बुक से या मेरी बुक से क्वेश्चन देख लेना। मैं कोई क्वेश्चन नंबर नहीं बताऊंगा, मैं टॉपिक बताऊंगा, सो दैट वी कवर होलिस्टिकली एवरीथिंग। एग्जाम्स के दिन अपने आप को मेंटेन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे कुछ वीडियोस पहले से बने हुए हैं, यूटिलाइजिंग द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ एग्जाम्स, 3 घंटे में टफ पेपर इजी पेपर को कैसे हम लोग कैटर करते हैं, ये सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, गुरु ज्ञान का लिंक्स, प्लीज इनको देख लीजिएगा सो दैट आपका एग्जाम अच्छा जा सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।